धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग स्तोत्र का जाप करना व्यक्ति के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। नाग स्तोत्र का पाठ करना नाग देवता को समर्पित बताया गया है। इस स्तोत्र के जाप से नाग देवता की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। साल भर में आने वाले सभी त्योहारों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही सावन के महीने में आने वाली नाग पंचमी के त्योहार के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। जिन जातकों की कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष होता है उनके द्वारा नाग स्तोत्र का जाप करना बेहद ही लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्तोत्र के पाठ से काल सर्प दोष के भय से छुटकारा मिल जाता है। इसकी और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। पंडित श्रीधर शास्त्री ने नाग स्तोत्र के महत्व को लेकर लोकल 18 से क्या कुछ कहा है, सुनिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम संकपालम धारतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानी नवनामानी नागानाम च महात्मना सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। अभी नाग स्तोत्र का हमने उच्चारण किया तो नाग स्तोत्र का नाग पंचमी को बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यह नाग स्तोत्र में नौ नाम होते हैं नागों के। इसको सायंकाल के समय तीन बार पढ़ने से, इसका उच्चारण करने से अपने देवस्थान में हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है एवं विष भय, सर्प का विष भय और किसी प्रकार का भी विष का भय एवं विद्युत आकाशीय बिजली और इस प्रकार से कई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। और हमारे जो मनोवांछित फल, कोई हमारी हृदय में मनोकामना है और इस नाग स्तोत्र का हम श्रावण मास में नित्य प्रति तीन बार सायंकाल के समय इसका पाठ करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं ध्यानपूर्वक, तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। जिनका काल सर्प दोष है उनको, उनकी कुंडली में जो काल सर्प दोष बना हुआ, किसी प्रकार का भी 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष होते हैं, उन काल सर्प दोषों से भी नाग स्तोत्र का पाठ करने से एक मुक्ति मिलती है और हमारे ग्रह शांत होते हैं और सभी प्रकार की जो है मनोकामना पूर्ण होती है।